ਇਫਤਖਾਰ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦਾ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਅਮਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आमिर शहजाद 116 वाला में खड़ा हूँ और ये हमारे गांव की सूरत हाल है जो आप लोगों के सामने है और ये हमारे आने वाले इस इलेक्शन के आने वाले कैंडिडेट्स की गाड़ी है। इलेक्शन कैंपेन के लिए हमारे गांव में आई हुई है। वो खुद तो आते नहीं हैं, गाड़ी भिजवा देते हैं, गाँव के मुतल्लिका लोगों को चार पैसे दे के भिजवा देते हैं, तो उन्हें नहीं पता हमारे गांव की क्या सूरत हाल है। उन्हें ये पता है कि उनकी गाड़ी आ गई है तो लोग वोट देंगे और वो लोग जीत जाएंगे और फिर पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएंगे। ये जनाब एमएनए की सीट पे NA 153 से चौधरी इफ्तखार नज़ीर दोबा साहब और उनके साथ फैसल अकरम खान नियाज़ी साहब जो PTI छोड़ के नून लीग में शामिल हुए हैं। वो PP 209 की सीट पर लड़ रहे हैं इलेक्शन। और गांव की सड़क की सूरत हाल ये है कि 1800 CC गाड़ी यहाँ फंस गई है कीचड़ में, तो ज़रा अंदाज़ा लगा लें हमारी आवाम, जो गरीब आवाम है, जो गाड़ी तो दूर की बात है मोटरसाइकिल तक भी कम ही अफोर्ड कर सकती है, उन लोगों ने यहाँ से पैदल रिक्शों पे या रेहड़ियों पे गुजरना होता है, उनकी क्या सूरत हाल होगी और ये लोग दर्द क्या समझेंगे जो लोग घर में बैठ के कंपेन चलवा रहे हैं चार पैसे दे के। ये जो गाड़ी वाले भाई हैं ये भी हमारे ही गाँव के हैं, इनकी ये गाड़ी भी हमारे ही गांव की है, तो जो कंपेन चलवाने वाले हैं वो अपने घर में बैठे हुए हैं और कंपेन करने वाले यहाँ ख्वार हो रहे हैं और आवाम ने 5 साल इसी तरह से ख्वार होना था। अब आप लोग देख लें, आप लोग डिसाइड कर लें किसको वोट देना है, इन लोगों को जिनको एहसास तक नहीं है, जिनको पता तक नहीं है कि हमारे इलाके में क्या हालात चल रहे हैं, जिनको ये एहसास तक नहीं है कि गरीब बंदे के दिन कैसे गुजर रहे हैं। ये वो बारिश है जो 4-5 दिन पहले आई थी, जब ताज़ा बारिश होती है तब क्या सूरत हाल होती है ये आप लोगों को इंशाल्लाह अगली वीडियो में अपडेट देंगे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।